और सब गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाली है, तो एंड तक जरूर से वॉच करना। दिस इज अ बलून और इसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके अंदर थी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो ये गैस होती है CO2, वो काफी भारी गैस होती है, इस वजह से जो हमारा बलून है वो उड़ नहीं पाया। आज की वीडियो में हम इसे उड़ाकर रहेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगी काफी हल्की हल्की गैसें, जैसे हो गई हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन। तो हीलियम और मीथेन गैस को तो हम घर पे बना नहीं सकते, बट हम हाइड्रोजन गैस को घर पे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर भर के फिर इस बलून को हम उड़ाएंगे आसमान में। तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कास्टिक सोडा और एल्यूमिनियम फॉइल कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करके, पानी के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करेगी हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो काफी हल्की होती है, जो इस बलून को उड़ाने में हमारी हेल्प करेगी। तो बनाते हैं। तो आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। लास्ट इंट्रो। गाइस हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक कांच की बोतल एंड एल्यूमिनियम की कैन। यदि आपके पास एल्यूमिनियम की कैन नहीं है तो आप इस दवाई की पैकिंग का भी यूज में ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी 70% तक एल्यूमिनियम ही होता है। सबसे पहले इसके अंदर हमें डालना होगा वाटर यानी पानी। उसके बाद में हमें डालना है इसके अंदर कास्टिक सोडा। इसके लिए पहले मेरे को ग्लव्स पहनने होंगे, क्योंकि जो कास्टिक सोडा है वो स्किन पे काफी जल्दी रिएक्ट करता है, उससे आपकी स्किन भी खराब हो सकती है। इसको बोलते हैं ड्रिंक क्लीनर यानी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, पानी की और एल्यूमिनियम की, तीनों की लिमिट हमें सेम रखनी होगी। यदि ज्यादा या कम हुई तो फिर जो बलून है उसमें है ना, जो भाप है वो ज्यादा हो जाएगी और बलून है वो आसमान में नहीं उड़ पाएगा। तो मैं इसका अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ कि सब सही सही हो। सोडा डालने के बाद इसके अंदर हमको डालनी है एल्युमिनियम फॉइल। रिएक्शन इसकी चल रही है, ग्लव्स खोल देता हूँ। और आपको इसे भूल के भी जो प्लास्टिक की वाली बोतल है उसके साथ तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि वो गर्म होके फट सकती है। ये भी काफी हद तक गर्म हो चुकी है, काफी हीट प्रोड्यूस कर रही है और इसमें से गैस निकल रही है, और ये गैस काफी फ्लेमेबल भी होती है या आपको हानिकारक भी हो सकती है। काफी हद तक गाइस ये बहुत गर्म हो चुका है, काफी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, साथ ही प्रोड्यूस कर रहा है प्योर हाइड्रोजन गैस। तो देख सकते हो जो हमारा बलून है वो फूलने लग चुका है, और इसमें अभी तक रिएक्शन चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पास। एंड आप जो देख सकते हो जो हमारे बलून है उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो भरने स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस हमारा जो बलून है फूल चुका है और हाइड्रोजन गैस वो बन चुकी है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको हाइड्रोजन गैस कैसे बनानी है। तो उसके लिए चाहिए होगी पहले कांच की बोतल, उसके अंदर डालना है पानी, उसके बाद डालनी है कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं ड्रिंक क्लीनर, एंड उसके बाद डालनी है एल्युमिनियम फॉइल, और फिर ऊपर बलून लगा देना है। और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब इस बलून को हम उड़ाते हैं। गाइस काफी गर्म हो चुका है, और जो वाटर था हमारा वो काफी ब्लैक हो चुका है एंड काफी गर्म है। तो गाइस जो हमारा बलून है वो उड़ चुका है।
गाइस हमारा बलून है काफी ऊंचाई में जा चुका है, काफी दूर जा चुका है हमारे से। गाइस सच में बहुत मजा आया इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड बाय बाय, लव यू ऑल।